फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं, डेमोक्रेटिक के खिलाफ कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा कि लीडरशिप चेंज होती रहती है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, और जो इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि लोगों का हित किस में है किस में नहीं है, इसलिए वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस तरह से अपन ने अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट पढ़े डेमोक्रेसी के। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो डेमोक्रेसी के पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट है, यानी जो डेमोक्रेसी को बेहतर बनाते हैं, वो आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या कह रहा है कि 1958 से लेकर 1961 के बीच में चाइना के अंदर बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया। ये माना जाता है कि ये जो अकाल पड़ा था ये दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक या सबसे अपन ऐसे कह सकते हैं बहुत ही बेकार अकाल था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मतलब वर्स्ट, बहुत ही बदतर अकाल था ये। फेमाइन पड़ा कब से लेके कब तक? 1958 से लेके 1961 तक। जैसे इस आंकड़ों से ही पता चलता है, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। ये जो अकाल पड़ा था चाइना में 1958 से 61 के बीच, इसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए चाइना में, लगभग 3 करोड़। ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों 1958 से 61 के बीच की बात कर रहे हैं, उन दिनों इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो चाइना से इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। भारत की आर्थिक स्थिति चाइना से बेहतर नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। इसलिए भारत में उस तरह का अकाल नहीं पड़ा जिस तरह का अकाल कहाँ पर पड़ा? चाइना में। जैसे अपन ने पढ़ा कि लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, तो बहुत ही खतरनाक अकाल था। इकोनॉमिक्स यानी होता है अर्थशास्त्री। जो है अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है, अर्थशास्त्रियों का सोचना है दैट दिस वॉज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि भाई चाइना के अंदर तो इतना नुकसान हुआ और भारत के अंदर ऐसा नुकसान नहीं हुआ, तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दोनों देशों की सरकारों ने जो नीतियां बनाई वो नीतियां दोनों देशों के अंदर क्या थी? अलग अलग थी। इसी वजह से परिणाम भी इतना अलग अलग था कि चाइना में इतना नुकसान हुआ और भारत में इतना नुकसान नहीं हुआ। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कैसिटी इन ए वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। क्या कह रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि हमारे देश में जो सरकार थी वो डेमोक्रेटिक थी, तो हमारी सरकार ने मतलब इस तरीके से सारा का सारा मैनेज किया जिसकी वजह से ना तो लोगों को भोजन की कमी हुई ना आवश्यक चीज़ों की कमी हुई, जबकि चाइना में डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वहाँ पर इस तरह की स्थिति हुई कि लोगों को समय पर भोजन ना मिलने की वजह से बहुत से लोग क्या हुए मर गए। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिस देश के अंदर जो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में आज तक कभी भी इस तरह का मतलब कि मौका नहीं आया कि वहाँ पर इतना वृद्ध स्तर का यानी इतना ज़्यादा बड़ा क्या पड़ा हो, अकाल पड़ा हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी इस प्रकार की स्थिति देखने में नहीं आई है, यानी अकाल जैसी स्थिति देखने में नहीं आई है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड ओपोजिशन पार्टी एंड ए प्रेस फॉर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। क्या कह रहा है, अगर चाइना में भी ऐसा ही होता जैसे भारत में है, भारत के अंदर क्या है बहुत सारे राजनीतिक दल जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जबकि हमने चाइना में पढ़ा था कि कम्युनिस्ट पार्टी है उसको ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, एंड ओपोजिशन पार्टी वहाँ पर कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल नहीं है। जैसे हमारे देश में अगर फिलहाल सरकार में बीजेपी है तो जो ओपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, बहुत सारे राजनीतिक दल है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। और प्रेस फ्री, और वहाँ के जो प्रेस थी यानी जो समाचार पत्र जो छापे जाते थे उनके ऊपर भी फाउंडेशन थी कि अगर पार्टी के खिलाफ कुछ गलत है तो उसको क्या कर दिया जाता था, सजा दी जाती थी। तो ये सारी स्थिति वहाँ पर थी। कहाँ पर? चाइना में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, इसी वजह से बहुत सारे लोग मरे। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती, मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, इसके अलावा ओपोजिशन पार्टी होती, प्रेस जो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, समझ में आ गया, तो वहाँ पर शायद अकाल की वजह से इतने सारे लोग नहीं मरते।
दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये उदाहरण से हम क्या समझते हैं, इस उदाहरण से अपन समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट का सबसे अच्छा क्या होता है, रूप होता है। जैसा अपन ने देखा यहाँ पर भारत में डेमोक्रेसी थी तो बहुत सारे लोगों की जान बच गई और ना कोई इतना गहरा क्या पड़ा, अकाल पड़ा, जबकि चाइना में डेमोक्रेसी ना होने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। क्या कह रहा है कि जो दूसरे गवर्नमेंट के जो फॉर्म हैं उनकी तुलना में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उनका पूरा करने में ज़्यादा सक्षम होती है, यानी उनके प्रति ज़्यादा जवाबदेह होती है, जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जैसे कि मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, मिलिट्री हो गई, इन फॉर्म में ऐसा देखने में नहीं आता। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति इतना अकाउंटेबल नहीं होती, यानी लोगों की ज़रूरतों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी वजह से ये बता रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो दूसरे जो गवर्नमेंट के फॉर्म हैं उनके कंपैरिजन में बेहतर होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की ज़रूरतों को हर समय पूरा करने में सक्षम होती है या अकाउंटेबल होती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। क्या कह रहा है, हाँ हो सकता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन ये पूरा किया जाए लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर करता है, वो जो शासक है जैसे मोनार्की में राजा होता है, डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर होता है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि जो लोगों की ज़रूरत है वो उनको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादातर चांस क्या होता है कि जो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में पूरी नहीं होती हैं। इफ़ द रूलर्स डोंट वॉन्ट टू दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपुल। वही भाई सही बात है, अगर राजा चाहता है कि भाई लोगों की जो जैसे रह रहे वैसे रहे, उनकी जो ज़रूरतें हमें पूरी नहीं करनी, अगर वो ऐसा सोच ले तो उनकी ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं होंगी। कहाँ पर, जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक यानी नॉन डेमोक्रेसी है, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में अगर आप डेमोक्रेसी है देश के अंदर तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना क्या होता है, गवर्नमेंट का दायित्व होता है, गवर्नमेंट का आप ऐसे कह सकते हो एक जिम्मेदारी होती है। आगे क्या कह रहा है, ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे मैंने बताया कि जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो फिलहाल जो गवर्नमेंट चला रहा है उसको क्या करना चाहिए, वो मतलब उसको उसके आप एक तरीके से मान लो डेमोक्रेसी है तो फाउंडेशन है उसके ऊपर कि जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको उसे क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे संविधान में जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है संविधान के द्वारा उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं, तो उन सीमाओं के अंदर ही क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है कि जो गवर्नमेंट चला रहा है वो लोगों की ज़रूरतों को क्या करे, पूरा करे। तो इस तरह से क्या पॉइंट हमारे सामने आया है, हमारे सामने पॉइंट आया है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दूसरे गवर्नमेंट के फॉर्म से बेहतर इसीलिए है, क्यों है, क्योंकि ये जो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, समझ में आ गया, जो भी लोगों की ज़रूरतें होती हैं उनके प्रति जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार होती है, यानी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती है। जब भी लोगों की ज़रूरतें होती हैं तो सबकी तो नहीं लेकिन लगभग जो लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्षम होती है। तो एक तो ये पॉइंट आउट, यानी डेमोक्रेसी के पक्ष में एक पॉइंट ये हो गया कि बेहतर इसलिए है कि भाई लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी दी जाती है गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट अच्छी तरह से निभाती है। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होती है कि जिस मकसद से उन्होंने लोगों ने उसको चुना है उस जिम्मेदारियों को वो पूरा करे, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक और तर्क अपन दे सकते हैं, एक और कारण बता सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो किस तरह से बेहतर निर्णय लेने में सफल रहती है किसकी तुलना में, नॉन डेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक सरकार की तुलना में। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो किस तरह से बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होती है, यानी निर्णय लेती है। जैसे दे भी रखा है, डेमोक्रेसी इज ए बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी जो डिसीज़न लिया जाता है उस डिसीज़न लेने से पहले उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल करके उसके ऊपर क्या की जाती है, बातचीत की जाती है, ताकि किसी पर जब वो निर्णय लिया जाए तो उस निर्णय की वजह से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो तुरंत डिसीजन नहीं लिया जाता है, उस डिसीजन को लेने से पहले बहुत सारे लोगों से उसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, बार बार लोगों के साथ क्या की जाती है, मीटिंग की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रहे, यानी डिसीजन इस तरह का ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। तो कहने का मतलब बार बार डिस्कशन से क्या होता है कि जो कमियां रहती हैं उन कमियों को निकालना आसान हो जाता है, जिस वजह से अंत में जब वो डिसीजन लिया जाता है तो उसकी वजह से लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन जो वो तुरंत लिया जाता है, किसी के साथ डिस्कशन नहीं किया जाता है। आगे क्या कह रहा है, दिस टेक्स टाइम। इसमें टाइम तो लगता है क्योंकि अब बार बार बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन किया जाता है, और वो डिस्कशन भी इसलिए किया जाता है ताकि भाई कोई कमी ना रह जाए डिसीजन के अंदर, लोगों को दिक्कत ना हो उस डिसीजन की वजह से। बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। सही है, मतलब अगर आप एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो देश के लिए, क्योंकि जो निर्णय ले रहे हो उसका अगर आप गलत निर्णय लोगे तो नुकसान देश के लोगों को ही होगा, और अगर बढ़िया निर्णय लोगे तो लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो अगर आप ज़्यादा समय, मतलब आप समय लेकर डिसीजन लेते हो, आप पूरा समय लेते हो उस डिसीजन को लेने में, तो वही बात है, गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, जिस वजह से लोगों को नुकसान होने की संभावना भी क्या रहती है, कम रहती है, और वो इस तरह से लिया गया डिसीजन लोगों के लिए क्या होता है, बेहतर होता है। दिस रिड्यूस द चांसेज ऑफ रैश ऑफ इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। जैसे मैंने अभी बताया कि आप पूरा समय लेकर डिसीजन लेते हो तो इस तरह से जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन सही होता है, और कहने का मतलब ये है कि डिसीजन सही होगा तो लोगों को दिक्कत भी कम आएगी, यानी ऐसा नहीं लगेगा कि गैर जिम्मेदार तरीके से, यानी बिना सोचे समझे वो डिसीजन लिया गया है। तो इस तरह से अगर समय लेकर कोई डिसीजन लिया जाता है तो गलत डिसीजन लेने की जो संभावना है वो लगभग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसा कहाँ पर होता है, डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको आप बार बार उसके ऊपर कंसल्ट करोगे, इस तरह से होगा। जैसे मोनार्की का एग्जांपल ले तो मोनार्की में राजा के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी। अगर राजा के ऊपर डिपेंड करता है, अब राजा क्या करता है, खुद सोच के अपने हिसाब से तुरंत डिसीजन लेकर उसको लोगों के ऊपर अप्लाई कर देता है, तो इससे नुकसान क्या होता है कि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। जबकि डेमोक्रेसी में बार बार डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है, इस वजह से उसमें किसी प्रकार की मतलब मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसी तरह से एक और आर्गुमेंट आ गया डेमोक्रेसी के पक्ष में कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है या जो निर्णय लिया जाता है उसकी जो गुणवत्ता होती है उसमें लगातार क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि एक बार जब कंसल्ट होगा अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो वो गलती वहाँ पर निकाल दी जाती है, फिर दोबारा कंसल्ट होगा, यानी तब तक कंसल्ट होता रहता है जब तक उसमें किसी प्रकार का मतलब कि माइनस पॉइंट नहीं रहता, यानी माइनस पॉइंट रहेगा तब तक उस पर कंसल्ट होता रहेगा, जब तक सारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए डिसीजन जो है, डिसीजन लेने की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बार बार उसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा। पहले में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेहतर होती है क्योंकि वो लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको वो अच्छी तरह से निभाती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर बार बार मतलब डिस्कशन होता है ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए लोगों के द्वारा वो एक्सेप्टेबल होता है। कहने का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास को अच्छी तरह से देखें, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।